channel Funnik Scrap. So in today's video, I'm gonna show you how you can make this mini oven. For this you will need cardboard, gift wrapping paper, translucent sheet, plier and wire, scissor and tweezer, paints and brushes, clear sellotape, hot glue gun and glue. So let's get started. So as you can see, I've taken some cardboard pieces over here and yeah, maine two thodi se different shapes ke banaye hain. So as you can see, this is a big one and ye dono chote hain. So now hot glue gun ki help se I'll start sticking them. So yahan pe main isko stick kar rahi hu is tarah se. तो ये इस तरह से बन गया है. नाउ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्टीशन दिया है, एज यू कैन सी. सो उसके लिए भी मैं कार्डबोर्ड का एक कटआउट स्टिक करूँगी उधर. देन यहाँ पे मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया है बिकॉज इट्स ईजली अवेलेबल इन एनी हाउस. एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ और कटआउट्स कट किए हैं, सो वो इस तरह से फिट होंगे. तो उनको यहाँ पे मैं इस गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर करूँगी. सो मेक श्योर मैं सिल्वर वाला साइड आगे रख रही हूँ. तो यहाँ इस तरह से सबको कवर कर लूँगी. यू कैन यूज़ एनी सिल्वर पेपर टू कवर देम. यहाँ पे मैं गिफ्ट रैपिंग पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट ईजली अवेलेबल. तो यहाँ इस तरह से ग्लू की हेल्प से मैं कवर कर दूँगी. सो आफ्टर कवरिंग देम ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं. देन यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉस के पीसेस कट किए हैं. सो टोटल 6 स्ट्रॉस कट किए हैं. एंड यहाँ पे उनको मेजर करने के बाद मैं स्ट्रॉज को 1 by 1 यहाँ हॉट ग्लू गन से लगाऊंगी इस तरह से. सो एज यू कैन सी ये लाइन स्ट्रॉ की लाइन दे रही हूँ मैं इस तरह से. नाउ दूसरे वाले पार्ट में भी मैं इसी तरह से स्ट्रॉज लगाऊंगी. सो दीज आर द ओवन होल्डर्स जिनमें अंदर ट्रे फिट होती है. सो दीज आर द होल्डर्स, इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्ट्रॉज ईच लगा रही हूँ. तो ये लग चुका है, यू कैन सी. तो यहाँ इस तरह से फिट करूँगी. सो हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं यहाँ फिट करना स्टार्ट कर रही हूँ उसको. सो लाइक दिस. तो नाउ इसके ऑपोजिट साइड पे सेकेंड वाला पार्ट भी स्टिक कर लूँगी इस तरह से. जो टॉप था, नाउ जो लेफ्ट आउट पीस था उसको मैं हॉट ग्लू गन से टॉप पे स्टिक करूँगी. तो ये इस तरह से टॉप पे भी स्टिक हो गया. नाउ एक और पीस मैंने कट किया है, बनाया है एंड उसको कवर करने के बाद इस तरह से उसको लगा दिया. सो एज यू कैन सी अंदर फुल सिल्वर लुक आ गया, स्टील का लुक दे रहा है ये अंदर से. नाउ उसको कवर कर दूंगी. सो उसका एंड बेस भी लगा रही हूँ मैं नीचे. तो यहाँ जो मैंने बेस लगाया था उसको भी मैं कवर कर दूंगी सिल्वर पेपर से इस तरह से. तो यहाँ मैंने एक और कार्डबोर्ड लगाया है एंड यू कैन सी अंदर सिल्वर लुक आ रहा है. सो ये स्टील लग रहा है ऑलरेडी. होल्डर्स भी स्टिक हो गए. नाउ यहाँ उसका मैं जो कवर है वो बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस कट किया है एंड उसको इस तरह से मेजरमेंट लेके कट कर लूँगी. ये कट हो चुका है. नाउ दोनों पार्ट्स को मैं इक्वली स्टिक करूँगी. तो यहाँ मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक किया है. देन यहाँ पे मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड का एक एंगल बना लिया है, उसको इस तरह से स्टिक करूँगी. बट बिफोर दैट यहाँ पे मैंने एक थिक ट्रांसल्यूसेंट शीट लिया है एंड इसको भी इक्वल शेप में कट किया है एंड उसको इस तरह से स्टिक कर लूँगी. सो वो ग्लास का इफेक्ट आ रहा है. ग्लास का इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे थिक ट्रांसल्यूसेंट शीट लिया है.
एंड देन यार सेलो टेप जो है सिल्वर क्लियर सेलो टेप उससे मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी, सो वो स्टिक हो जाएगा एंड ओपन क्लोज हो जाएगा इजीली। देन यार हैंडल बनाने के लिए मैंने एक वायर लिया है एंड उसको स्ट्रॉ के अंदर डाल के इस तरह से मैंने प्लायर की हेल्प से फोल्ड्स दे दिए। देन यहाँ मैंने ओवन में ऑलरेडी 2 होल्स कर लिए हैं, सो इस तरह से होल्स करने के बाद यहाँ पे मैं अंदर हैंडल को स्टिक कर दूँगी एंड फिर प्लायर की हेल्प से दोनों जो एजेस हैं वो फोल्ड कर दूँगी, सो वो अंदर स्टिक हो गया इस तरह से। नाउ अंदर ट्रे बनाने के लिए यहाँ मैंने कार्डबोर्ड का एक मेजरमेंट करके पीस कट किया है एंड देन उसमें जो स्मॉल स्ट्रिप्स कट की हैं उनको इस तरह से अटैच करूँगी। सो ये ट्रे है, सो यहाँ 4 कॉर्नर्स पे मैं इस तरह से लगा लूँगी। As you can see ये लग गया है। नाउ जो एक्सेस पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी एंड थोड़ा सा एज उसका स्मूथ कर दूँगी इस तरह से सर्कल शेप देके। एंड देन ये इजली एक ट्रे अंदर फिट हो रही है, जो मैंने होल्डर्स बनाए थे स्ट्रॉ से, तो ये उस पर फोल्ड हो रही है। नाउ यहाँ पे मैं इसी ट्रे को मेजर करके एक और एंगल बनाऊँगी कार्डबोर्ड का इस तरह से। सो उनको 4 जो उनके पीसेस हैं उनको इस तरह से अटैच करने के बाद ये आपको एक रेक्टेंगल शेप का एंगल मिल जाएगा इस तरह से। एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ थिन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट की हैं एंड उनको मैं इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रिलिंग ट्रे बना लूँगी। सो यहाँ उसके लिए मैं ग्रिल बना रही हूँ। तो 1 by 1 मैं इक्वल स्पेसेस दे के वो थिन कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को वहाँ अटैच कर दूँगी। देन सेम प्रोसीजर उसके ऊपर भी फिर से एक और बार कर लूँगी। सो ये पूरी ग्रिलिंग ट्रे बन गई है। नाउ यहाँ पे मैंने इसको वाइट पेपर से कवर कर लिया, एज यू कैन सी उसके फ्रंट पार्ट को, एंड सेम वे में मैं उसके ऑल द 4 कॉर्नर्स को स्टिक कर लूँगी, वाइट पेपर से अटैच करूँगी सो दैट वो हाइड हो जाए, उसके सारे एजेस एंड जो भी आपका कार्डबोर्ड है वो हाइड हो जाए एंड वो स्मूथ लगे। सो उसके लिए यहाँ मैंने वाइट पेपर से कवर किया है, आप उसको ब्लैक पेपर से भी कवर कर सकते हैं, नो इश्यूज। बट यहाँ फर्स्ट मैंने एक वेस्ट वाइट पेपर से कवर किया है एंड देन आई पेंट इट, सो लाइक दिस ब्यूटी हेल्प से मैं कवर कर लूँगी। तो ये कवर हो चुका है, यू कैन सी फुल वाइट कवर कर दिया है मैंने उसको एंड ये ओपन क्लोज भी हो रहा है। नाउ यहाँ मैंने एक और कार्डबोर्ड का शेप कट किया है एंड उसको वाइट पेपर से कवर करने के बाद वो इस तरह से मैं जो सेकेंड साइड था उस पर स्टिक करूँगी हॉट ग्लू गन की हेल्प से। तो ये स्टिक हो चुका है एज यू कैन सी। नाउ यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के कुछ स्मॉल नॉब्स एंड इंडिकेटर्स बना लिए हैं, उनको मैं इस तरह से यहाँ स्टिक कर लूँगी 1 by 1। सो दीज आर द 2 नॉब्स एंड ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं कार्डबोर्ड के, सो वन इज़ द इंडिकेटर एंड अदर इज द लाइट, यहाँ पे मैंने वो बना लिया है। देन यहाँ पे मैंने स्ट्रॉज के कुछ स्मॉल टाइनी पीसेस कट किए हैं एंड यहाँ होल्स भी बना लिए एज यू कैन सी उसके बेस पे एंड सेकेंड वन बैक साइड पे बनाया है। सो यहाँ पे मैंने जो होल्स बनाए हैं उसमें स्ट्रॉज 1 by 1 अटैच कर दूँगी। होल्स बना के अटैच करने से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सो इसलिए मैंने स्ट्रॉज को इस तरह से अटैच किया। तो ये सारे जो स्टैंड हैं वो बन गए एंड यू कैन सी ये स्टैंड हो जाए। नाउ यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का थ्रेड लिया है एंड उसको ब्रेड करने के बाद इस तरह से मैं प्लग बना लूँगी, वायर एंड प्लग। एंड ये मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताए हैं, सो आप देख सकते हैं उसको। एंड देन जो मैंने बैक साइड पे होल बनाया था उसमें इसको अटैच कर लूँगी, सो ये वायरिंग भी रेडी हो गई है उसकी। नाउ दीज आर द 2 ट्रेज भी रेडी हो गई हैं। नाउ पेंट करना स्टार्ट करूँगी, सो यहाँ मैं अपने ओवन को ब्लैक पेंट से पेंट करूँगी बिकॉज मैं उसको ब्लैक लुक देना चाहती हूँ। सो यहाँ मैं ब्लैक पेंट से पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ एंड आप उसको वाइट भी रख सकते हैं।
मैं फुल ओवन को ब्लैक पेंट करूँगी, तो यहाँ सारे कॉर्नर्स सारे साइड पे उसको ब्लैक पेंट कर रही हूँ। जो इंडिकेशन पार्ट है मैं उसको अभी ब्लैक पेंट नहीं करूँगी, तो मेक श्योर आप उसको ना करें, अदरवाइज वो फुल पूरे में मर्ज हो जाएगा, तो वो अलग से नहीं दिखेगा। एंड देन सारे साइड से मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने शाइनी इफेक्ट लुक देने के लिए यहाँ मैं फैब्रिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। आप पोस्टर, वाटर कलर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ना यहाँ पे मैंने जो इंडिकेशन पार्ट लीव किया था उसमें यहाँ ग्रे पेंट कर रही हूँ मैं। तो ग्रे पेंट करने के बाद जो नॉब्स एंड इंडिकेटर्स हैं उनको मैं पेंट नहीं करूँगी अभी, तो यहाँ मैं ग्रे पेंट कर रही हूँ। एंड देन यहाँ उसके हैंडल को भी ग्रे पेंट कर रही हूँ। देन उसके नॉब्स को मैं ब्लैक पेंट करूँगी, ब्लैक एंड वाइट, सो दैट वो अच्छे से उससे निखर के आए। एंड देन यहाँ ट्रेज जो मैंने बनाई थी, तो फर्स्ट ट्रे को मैं ब्लैक पेंट करूँगी, फुल ब्लैक कर दूँगी इस तरह से। तो ये फुल ब्लैक पेंट हो चुकी है एज यू कैन सी। ना जो सेकेंड ग्रिलिंग ट्रे थी उसको मैं अपनी सिल्वर मेटालिक नेल पेंट से कवर करूँगी, तो वो एक स्टील का लुक दे। जो हैंडल बनाया था सिल्वर कलर से, जो मैंने ग्रे पेंट दिया था उस पर मैं सिल्वर पेंट नेल पेंट लगाऊंगी, सो वो ऑब्वियसली शाइनिंग करेगा, सो इसलिए मैं यहाँ पे सिल्वर नेल पेंट लगा रही हूँ। एंड नॉब्स पे भी थोड़ा सा सिल्वर मेटालिक नेल पेंट से हाईलाइट दूंगी, एज वेल एज जो इंडिकेशन पार्ट था वहाँ पे भी करूँगी। देन यहाँ पे जो लाइट बनाई थी, जो इंडिकेटर है, उसको मैं रेड एंड येलो टाइप शेड दूंगी। सो ये हो गया, जैसे कि ये रेडी हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने एक केक बैटर बनाया है एंड उसको मैं ओवन में प्लेस कर दूँगी। प्लेस करने के बाद मैं उसके नॉब को ऑन करूँगी, सो इसको क्लोज करके नॉब को ऑन कर रही हूँ। फ्यू टाइम्स लेटर एज यू कैन सी केक इज रेडी। सो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। We'll be right back.